उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना सुनसान स्कूल था। गांव वाले कहते थे कि यह स्कूल पहले बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अब यह एक अभिशापित जगह बन चुका है। वहां पढ़ाने वाले शिक्षक और विद्यार्थी अक्सर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने इस स्कूल से दूरी बना ली और इसे भूतों का स्कूल कहने लगे। एक दिन एक नया शिक्षक राम नारायण उस गांव में आया। उसे इस स्कूल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गांव के मुखिया ने उसे इस स्कूल में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया। जब राम नारायण ने इस स्कूल के बारे में सुना तो वह आश्चर्यचकित हुआ और गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया। उसने ठान लिया कि वह स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाएगा और इस अंधविश्वास को दूर करेगा। अगले दिन राम नारायण स्कूल पहुंच गया। स्कूल की इमारत जर्जर और धूल से भरी हुई थी। खिड़कियों से छनकर आती धूप में धूल के कण चमक रहे थे। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही राम नारायण ने दरवाजा खोला, उसे अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चे वहां खेल रहे हों, लेकिन स्कूल में कोई नहीं था। राम नारायण ने सोचा कि शायद हवा के कारण ऐसा हो रहा होगा। उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा की सफाई शुरू की और ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने लगा। तभी अचानक ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई बातें खुद ब खुद मिटने लगी और उस पर खून से भागो लिखा हुआ उभर आया। राम नारायण घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो। लेकिन तभी एक जोर की हंसी गूंज उठी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तभी दरवाजे के पीछे से एक भूतिया छाया उभरी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राम नारायण ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर जैसे जम गए थे। वह एक कदम भी नहीं हिला सका। वह छाया धीरे धीरे राम नारायण के करीब आई और उसके गले में अपनी ठंडी उंगलियां डाल दी। राम नारायण की सांसें रुकने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बाद राम नारायण का नाम कभी किसी ने नहीं सुना। वह भी उन कई लोगों की तरह इस स्कूल में हमेशा के लिए फंस गया। गांव वालों ने इस घटना के बाद उस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां जाने की हिम्मत कभी नहीं की। उस दिन के बाद वह स्कूल और भी खतरनाक बन गया। जो भी उस स्कूल के पास से गुजरता, उसे वहां से बच्चों की हंसी और राम नारायण की दर्दनाक चीखें सुनाई देती। आज भी उस गांव के लोग शाम ढलने से पहले अपने घरों में छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भूतों का वह स्कूल अब भी वहां है, जहां एक बार जाने के बाद कोई वापस नहीं आता।